ही एवरी वन, वेलकम टू द अनदर व्लॉग। सो गाइज, आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ और कल है 18 जून, तो मैं जा रही हूँ घर क्योंकि कल फादर्स डे और पापा मुझे बहुत दिनों से घर बुला रहे हैं, बट मैं नहीं जा पा रही थी काम की वजह से। तो फाइनली मैं आज घर जा रही हूँ और मेरी और विस्की की पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है डन, और ये रही मेरी विस्की भी रेडी हो चुकी है, तो चलते हैं। और मैं रास्ते में ब्लॉग शूट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं फ़ोन को अंदर रख रही हूँ, मुझे विस्की को भी देखना है, बहुत सारा सामान भी है। सो मैं पहुंच के इलाहाबाद आप लोगों से मिलती हूँ। लेट्स सी गाइस। चुकी हूँ घर के नीचे और पापा को मिलने वाला सरप्राइज, उनको पता है कि मैं कल आने वाली हूँ बट मैं आज ही आ गई हूँ, तो मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलिए चलते हैं घर पे और सबसे मिलते हैं, लेट्स गो। सो फाइनली मैं आ चुकी हूँ घर बहुत दिनों के बाद और पापा और विस्की को आप लोग को दिखाते। विस्की क्या कर रही है? विस्की किसके साथ खेल रही है? विस्की 2 महीने बाद पापा को मिली फाइनली। विस्की कौन है? कौन है? सो फाइनली पापा विस्की से मिल ही चुके इतने दिनों के बाद। विस्की कौन है ये? हाँ विस्की कौन है, पहचानो, बोलो नाना। पापा इसके नाना है, विस्की मेरी बेटी है। हाँ बहुत गर्मी है, विस्की भी थक गई और मैं भी थक गई। हाँ तो अब देखते हैं कौन आने वाला है। चलो आओ इधर। कलवा आ चुका है, नीचे बुलाए थे ना? अरे नीचे नहीं आ पाए। नहीं इसकी तरह कुत्ता है। और बताओ रोहित, बहुत दिन बाद मैंने ब्लॉग स्टार्ट की फिर से। रोहित गोरा हो गया है थोड़ा सा। पापा को कोई मतलब ही नहीं है मेरे से, वो बस विस्की को नीचे गए लेके चले हैं बस, उसकी ज्यादा इज्जत है। सीरियसली वीडियो कॉल भी उसी के लिए आता है। सो गाइस, फादर्स डे स्पेशल वाला केक भी आ चुका है जो कि गोलू लेके आया है, और गोलू के साथ गई है विस्की अभी बाहर और हम और रोहित आ चुके हैं ऊपर। तो वेट करना है 12 बजे तक का और पापा को खूब सारी सरप्राइज देनी है, तो लेट्स सी। और गोलू आता तो मैं आप लोगों से मिलवाती हूँ। और हाँ, हैप्पी गया है उज्जैन महाकाल मंदिर घूमने, तो उससे आप लोग को मिल, मतलब आप लोग से मिलवाऊंगी 2 दिन के बाद जब वो आएगा, तब तक हम ही लोग हैं, तो आप लोग लास्ट तक ब्लॉग में बने रहना, ये ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है। तो जैसे कि मैं घर आ चुकी हूँ और विस्की जा चुकी है घूमने, तो अभी मैं जा रही हूँ चेंज करके थोड़ा काम करने, बैग वैग अपना ओपन करने, और आप लोगों से मिलती हूँ रात में जो कि सरप्राइज आप लोगों को पता है। तो लास्ट तक ब्लॉग में बने रहना, और पापा कर रहे हैं काम, तो थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ, फिर थोड़ा नाश्ता वास्ता करती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। मैंने आते ही कर दिया है ये सफाई को चालू, क्योंकि सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किचन बहुत गंदा हो जाता है, पापा उतना नहीं कर पाते हैं क्योंकि सब बिजी रहते हैं घर पे, तो मैं जब आती हूँ तो इसकी सफाई कर देती हूँ क्योंकि मेरे से देखा नहीं जाता है। सो अभी किचन थोड़ा ज़्यादा गंदा है, तो मैं आप लोगों से साफ़ करने के बाद मिलती हूँ। सो गाइज, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है क्योंकि घर बहुत ज़्यादा गंदा था अभी कल मुझे, अब मंदिर का थोड़ा सा काम बचा है वो ख़त्म कर लेती हूँ, बाकी बहुत ज़्यादा घर गंदा था। मैंने अभी चाय पी है जो कि मुझे पापा ने बना के दी है। सो सारा काम कंप्लीट कर रही हूँ धीरे धीरे, फिर आप लोगों से मिलती हूँ कंप्लीट करने के बाद। डन हो चुका है और अभी बज चुके हैं रात के 10:30। अभी थोड़ा सा बर्तन है वो मांझ के मैं फिर मुँह धुलती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, और खाना आज मैं बाहर से ऑर्डर कर रही हूँ। वैसे तो मैं बाहर जाने वाली थी, पापा से बोला रेस्टोरेंट जाने को, बट पापा ने बोला ऑर्डर कर लेते हैं, तो आज ऑर्डर करके खाना मंगाएंगे, उसके बाद हम लोग इंजॉय करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बर्तन धोऊंगी।
गाइज, गोलू लोगों के लिए मैंने मंगाया था छोला भटूरा, पापा और गोलू के लिए चावल मैंने घर पे बना लिया, तो पापा लोगों को खाना देते हैं और मेरा दूसरा ऑर्डर है तो वो आ रहा है, तो चलिए पापा लोगों को खाना सर्व करते हैं जल्दी जल्दी। तो मेरा ऑर्डर अब आया है तो मैं जा रही हूँ अपना ऑर्डर लेने, पापा और गोलू खाना खाना स्टार्ट कर चुके हैं और जल्द ही बच जाएगा 12, तो पापा को मुझे केक भी कट कराना है और विश भी करना है, तो चलिए ऑर्डर ले लेते हैं जल्दी से। तो ये लोग खाना खा रहे हैं और विस्की बेचारी मेरी देख रही है। विस्की कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला विस्की, एक एक बाइट भी नहीं खिलाया। अरे हाथ से खाती है ना विस्की, आज कोई नहीं खिला रहा है बाबू को। और क्या, अरे ऐसे डरोगे। सो 12 बजे जो है लाइट कट गई थी, तो इस वजह से अभी बज रहे 12:10 और मेरा केक रेडी है। मैं चल रही हूँ नीचे और पापा को सरप्राइज देते हैं, तो थोड़ा लेट हो गया बट सरप्राइज तो सरप्राइज है। सो चलते हैं नीचे और पापा का रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। लेट्स गो। पापा का काम चालू है यहाँ पे, पापा ही रिक्शे की मोटर तो कैंडल तो नहीं है तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। और ये इंतजार में पहले आ चुके हैं लोग खाने के लिए। तो ये है पापा को रिंग फाइनली आ गई है और कपड़ा इनको बड़ा मिल गया है साइज में, जो कि मैं कल फिट करवा दूंगी। और अभी चलते हैं केक कट कराते। चलो पापा केक कट करो, ये लो विस्की, खड़ी हो जा विस्की कटवाने आई है केक। चलो पापा, चलो हैप्पी फादर्स डे हो गया पापा का। फाइनली फादर्स डे सेलिब्रेट हो गया पापा के साथ और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा उनको सरप्राइज देके, उनको भी बहुत अच्छा फील हुआ होगा।
तो अभी करते हैं व्लॉग करना। मैं बहुत ज़्यादा आज थक चुकी हूँ, तो मैं जा रही हूँ अभी सोने, और बहुत लेट भी हो गया, 1 बजने वाला है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ये मेरा फादर्स डे स्पेशल व्लॉग आप लोग को पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक शेयर कॉमेंट करना ना भूलें। और मेरी शॉर्ट्स आती रहती है तो उसके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मेरी गेट रेडी विथ मी आता रहता है, तो ज़रूर आप लोग देखें। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट।